जेनिफर जेने वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल यस तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल टॉपिक होने वाला है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट एपिसोड में कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिग कलरफुल पर्सन जो कि हमारे लोकल या ट्रेडिशनल वे में हम बनाते हैं और हम उसे यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत होती है ड्यूरेबल और बहुत ही ज्यादा फैशनेबल कलरफुल और बहुत ही मजा आता है इन्हें पहनने से हमारी कुर्तीज के ऊपर या हमारे डेनेम्स के ऊपर भी हम इन्हें पहनते हैं आजकल और आजकल ये ब्रांड्स में भी अवेलेबल है ऑनलाइन भी आप इन्हें शॉपिंग कर सकते हो और देख सकते और फील कर सकते हो बहुत ही लोकल लोकल ट्रेडिशनल वे में लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि हम ट्रेडिशनल लोकल मार्केट पे जाके इनकी शॉपिंग करें ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी थोड़ा चीपर में मिले ओके okay, एनी तो मैंने आपको लास्ट टू एपिसोड्स में दिखाए थे कि छोटे छोटे वॉलेट्स और छोटे छोटे यू नो ज्वेलरी पाउचेस जो आप यूज कर सकते हो कलरफुल ट्रेडिशनल लोकल वराइटीज में और उसके बाद मैंने आपको मीडियम साइज दिखाए तो आज मैं आपको दिखाऊंगी फुल साइज बैग्स जो आप यूज कर सकते हो कलरफुल वो बोरिंग टाइप के नहीं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलरफुल

you know, tassels and this kind of uh प्रिंट आपको उसमें मिलता है काफी इसको आप गुजरात में आपको काफी मिलेगा राजस्थान में आपको काफी मिलेगा बहुत ज्यादा यानी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और बहुत ही ज्यादा वेरी नाइस इट लुक्स वेरी गुड तो आप सो कॉलेज में भी यूज कर सकते हो प्लस आप कहीं पर नॉर्मल वे में शॉपिंग करने जा रहे हो तो भी इसको यूज कर सकते हो खासकर प्लेन और खासकर इट विल लुक वांडरफुल ओके तो नेक्स्ट जो हमारा अगेन है मैं आपको सारे पर्सेस खोल खोल के नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा आपको तो पता ही कितना पर्स देख के आपको समझ गए होगा कितना स्पेस होगा उसके अंदर फिर भी मैं आपको एक दो पर्सेस तो दिखाई दूंगी जो ओपन करके और इस तरीके से आप अगर थोड़े से प्रिंट्स में चाहते हो तो दिस इज अ शोल्डर बैग यू कैन सी द शेप इज वेरी नाइस एंड इट लुक्स वेरी गुड सी यस तो नेक्स्ट जो हमारा है वाओ यू कैन सी दिस दिस इज सो ब्यूटिफुल यस दिस इज लाइक अ झोली बैग एंड इट्स वेरी नाइस और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इसका जो ब्रॉड इसका यू नो दिस ब्रॉड बेल्ट जो है इसका बहुत ही खूबसूरत है इट लुक्स वेरी नाइस अगर आपने इसको प्लेन पे पहना हो मैं आपको दिखाती हूँ अगर ये प्लेन पे अगर हमने पहना है इस तरीके से तो इट लुक्स वेरी नाइस एंड सी हाउ ब्यूटीफुल कलरफुल इट इज़ और इस काइंड kind ऑफ of जो मटेरियल होते, होते, होते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी nice होते हैं वॉशेबल होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा नाइस होते हैं अच्छा ये मेरा एड uh, ऑन है मेरे जो पर्स uh, की कलेक्शन में इट्स वेरी नाइस सी दिस इट्स सो नाइस ये बहुत, बता, I don't know, इस, मैं सुप क्या शेप द शेप इज वेरी डिफरेंट सी देपोन्ट नो इेपू शेपोनट शेप काफी इसमें स्पेस है तो ये तो मैंने खैर गोवा फ्ली मार्केट से लिया था वेनसडे को आपको पता कि गोवा में हर वेनसडे को एंड फ्राइडे को फ्ली मार्केट लगती है तो यू कैन गो टू अंजना बीच एंड यू कैन है प्लस सैटरडे मार्केट भी लगती है से आप इस तरीके के पर्सेस ग्रैप कर सकते हो इट्स वेरी नाइस एंड आपको बहुत ही ज्यादा वहां पर आपको बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है yes, येस आप वहाँ पर बार्गेन कीजिए और आपको बहुत अच्छे स्टफ्स मिलेंगे तो यही फायदा होता है अगर हम लोकल वेंडर्स से खरीदते हैं तो हम वहाँ पर काफी अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मतलब यू नो यू कैन हैव फोर फाइव आइटम्स इन वन प्राइस ऑफ आइटम्स विच वी टेक ऑनलाइन और जहां से अगर हम मॉल से लेते तो वहां पर हम बार्गेनिंग कर नहीं सकते तो वहां के जो जितने अमाउंट पे यहाँ पर आप तीन चार चीजें ले सकते हो एनी दिस इज अगेन यू नो बिग बैग्स ओके ब्यूटिफुल बैट ऑफ स्पेस ट बैग okay. so, nice. ये भी मैंने लिया था इंडोनेशिया से और जकाटा से लिया था ये बैग मैंने इट्स वेरी नाइस ओके ये जो है ये देखिए इस तरीके से आप कॉलेज अगर जाते हो अगर आपको सबसे स्टैंड आउट दिखना है सबसे अलग दिखना है तो आप नॉर्मल जो फैब्रिक वाले पर्सेज होते हैं सिंथेटिक फैब्रिक वाले वो ना लेकर अगर आप लोकल मार्केट से इस तरीके से पर्सेज लेके मतलब बैक पैक लेके जाते हो सॉरी नॉट में काफी स्पेस होता है आपके बुक्स के लिए और यू नो एंड देर आर टू

बिग बैग्स ऑफ दिस कलरफुल कलेक्शन है वो मेरा फेवरेट है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी क्योंकि वो है डिफरेंट यू नो डिफरेंट वेराइटी का और वो पता नहीं आई डोंट नो हाउ आई गाउ गॉट एट बट मैंने आज तक ऐसी बैग देखी नहीं थी लेकिन मुझे मिल गई तो मैंने ले ली दिस इज डिफरेंट ये देखिए आई डोंट नो इसका क्या शेप है आपको पता है मेरे uh, चैनल में आपको हमेशा डिफरेंट शेप और वेराइटी इसका मिलता है तो अगर आपके पास बची हुई साड़ीज है या दुपट्टा है या कुछ भी इस तरीके के मटेरियल है तो इस तरीके का डेफिनेटली आप एक पर्स बना सकते हो बड़ा बिग बैग बना सकते हो या यू you नो know, तो इसका जो इसका मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी उनसे यहां से एक है अगेन इट्स लाइक अ कोन आई डोंट नो इट्स लाइक अ कोन टाइप ऑफ शेप आपको यहाँ पर चारों तरफ से विल गेट दिस काइंड ऑफ दिस थिंग और आप जिसको डेफिनेट जब मैंने इसको पहना था इसको मैं लेके जा रही थी तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि वॉट इज दिस एंड हाउ इज द एंड इसका इसका ये देखिए कितना ब्रॉड है इसका जो बेल्ट है एंड आप जब इसको वेन यू यूज इट 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 लुक्स वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्टेरी मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइप ऑफ दिखता है ये बट इट्स वेरी इजी बिलीव मी इट्स नॉट एट ऑल इट्स वेरी फंकी टाइप ऑफ सी इट लुक्स वेरी नाइस ओके तो मैं आपको दिखाऊंगी अब इस तरीके से जो थोड़े से मीडियम साइज के पर्सेज है जो मेरे क्लॉथ uh, से मतलब मेरे जो कुर्ते से काफी मैच कर रहा है तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर इसको नहीं पहनूंगी हमेशा से प्लेन कुर्तीज के ऊपर या प्लेन टी शर्ट्स के ऊपर ही अच्छा लगेगा नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा जैजी जैजी लगेगा इसलिए मैं वो प्लेन इसमें दिखा रही हूँ इट्स वेरी नाइस ये देखिए यू कैन कीप योर स्टफ्स सेकेंड जो है ये देखिए इट लुक्स वेरी नाइस इसमें आपको काफी कलर्स मिल जाएंगे तो मैं आपको एक और कलर दिखाती हूँ जो लाइट में है ये देखिए अच्छा इसको मैं आपको ओपन करके देख रहा हूँ स्पेस फिर ये आपको इस तरीके के जूट मटेरियल भी मिलेगा अगर आपको जूट मटेरियल बहुत अच्छा लगता है तो यू कैन ऑलवेज टेक इन दिस जूट का इसमें तो भी काफी स्पेस होता है और मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ चेन वाले या जिप वाले लेने के लिए क्योंकि मतलब मेरा सारा स्टाफ, स्टाफ जो है बाहर ना गिर जाए यू नो ओके तो ये मेरा एक और एड ऑन है जो मेरे यू नो पर्सेज कलेक्शन में इट्स वेरी नाइस आपका कलर देखो कितना प्यार है कितना प्रिंट कितना अच्छा है एंड देन यू हैव दिस यू नो दिस ऑफ बेल्ट सो अगर आप खाना खा रहे हो पार्टी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो एंड यू डोंट हैव टू कैरी द पर्स सो यू कैन ऑलवेज कीप लाइक दिस एंड यू कैन ईट योर फूड एंड वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड बिकॉज योर हैंड्स आर फ्री अच्छा ये मैं आपको ओपन करके जरूर दिखाऊंगी क्योंकि एल्की... सकते हो नो हैंड वॉलेट या हैंड पर्स का के अलावा कुछ भी इस तरीके से जहाँ अगर आपको उस तरीके का हैंडल नहीं चाहिए तो ये भी बहुत कलरफुल इसमें भी काफी स्पेस है ये देखिए तो इस तरीके से दो वेरायटीज में आपको मिल जाएगी जिसके साथ एक के साथ हैंडल होगा यू you नो know? इस तरीके से और एक के साथ हैंडल नहीं होगा प्लस आपको स्मॉल में चाहिए बहुत ज्यादा सी दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ये भी मैंने इंडोनेशिया से लिया इट्स वेरी नाइस एंड वहां पर भी काफी फ्ली मार्केट्स लगते हैं आप वहां से भी यू नो क्रैप कर सकते हो दिस इज सो स्लिंग दिस यू कैन क्रैप इट उससे भी छोटा आपको चाहिए तो यस yes? दिस इज ऑल्सो विद्लिंग क्यूट है अगर वो बहुत छोटा सा मोबाइल है तो डेफिनेटली इसमें आएगा और आपको उससे भी छोटा अगर चाहिए तो दिस इज द वन यू कैन जस्ट कैरी इन योर पार्मिस वेरी ब्यूटिफुल आप देख सकते हो दिस इज विद बीच एंड दिस इज वेरी नाइस एंड प्लस इसमें भी काफी So uh, this is one of my favorite एंड मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे असर तीन ख़राब ना हो जाए बट इट्स वेरी नाइस प्लस अगर आपको ज्वेलरीज रखनी है जैसे मैंने आज आप देखोगे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कुर्ता पहना हुआ है और ये बहुत अच्छा है अगर आपने मेरा कुर्ता सेक्शन देखा होगा एपिसोड जहाँ पर मैंने आप बहुत सारे इस तरीके से कुर्तेज आपको दिखाए हुए तो मैंने आपको कहा था कि मैं इसको आपको दिखाऊंगी पहन के सी साइड से इतना प्यारा दिखता है सी इसका जो बॉर्डर है इट लुक्स वेरी नाइस वेरी ट्रेडिशनल एंड इस तरीके से तो मैं अभी इंडिया में हूँ फिलहाल तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल चीजें बहुत ज्यादा पहनती हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने में और आप, आप, आप मेरा कान का देखिए आप यू नो इट्स सो नाइस इट्स सो बिग एंड इट्स रियली वेरी नाइस ये लिटिल हैवी है सो so आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि ये स्लिप ना हो जाए या इस तरीके से इट्स वेरी हैवी एंड वेरी कलरफुल सो इफ यू आर वेरिंग दिस काइंड ऑफ कुर्ता एंड डोंट वेयर एनीथिंग इन योर नेक बिकॉज यूर वेरिंग दिस काइंड ऑफ यू नो बिग ईयरिंग्स ये देखिए सो अगर आप इस तरीके से बिग ईयरिंग्स का बाय करते हो अगर आप इस तरीके से तो डेफिनेटली उसको रखने के लिए भी आप यू uh, नो you know, आप अच्छी चीजों में उसको रखिए बॉक्स टाइप हो तो मैं आपको एक दिखाऊंगी इस तरीके के से बॉक्स मिलते हैं जो आपको लोकल शॉप्स में भी मिल जाएंगे वुड का इस तरीके का बॉक्स होता है और अगर आप बहुत सारे गोल्ड ज्वेलरीज लेते हो या कुछ हो तो डेफिनेटली अपने गोल्ड ज्वेलर से आप इस तरीके का बॉक्स मांग सकते हो क्योंकि उनके पास तो ज़रूर होता है तो दिस इज द वन सो इस तरीके के आप उसमें ज्वेलरीज रख सकते हो या ये देखिए यू कैन कीप इसमें आपके जो ज्वेलरीज है वो ये टूटते नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बिकॉज हम लोग ये बहुत थोड़े आपको चीप वैरायटी में मिल जाएगा प्लस आपको थोड़े हैवी रेंज में मिलेगा बहुत कॉस्टली रेंज में मिलेगा तो उसके लिए आप अच्छे से एक यू नो दिस काइंड ऑफ बॉक्सेस अगर आप ले लेते हो तो इट्स वेरी इजी टू कीप इट एंड यूज इट अगेन एंड अगेन इसमें टूटेगा नहीं एंड देन यू नो इट्स ऑलवेज देर फॉर यू क्योंकि आप ऐसे आइटम्स बार बार खरीदना तो नहीं चाहोगे वापस वापस सेम चीज एनी तो आई होप आपको मेरा ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा दिस इज जेनेफॉर साइनिंग ऑफ और आप इस तरीके से ट्रेडिशनल बैग्स यूज करते रहिए लोकल आइटम्स यूज करते रहिए और जो है कलरफुल कलरफुल रहिए एंड बी हेल्दी टेक केयर सब्सक्राइब माई चैनल बाय